किसान भाइयों नमस्कार कृषि समाचारों में आपका स्वागत है सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर बजट में गांव किसान के लिए ज्यादा धन कृषि को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे फार्म मशीनरी बैंक आम के लिए बेहद संवेदनशील है मौसम तिरासी फिश पार्लर खोले जाएंगे और अब कृषि समाचार विस्तार से प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के हितों का ध्यान रखने वाले देशों ने खूब तरक्की की है इसलिए देश और प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए किसानों का खुशहाल होना जरूरी है इसके लिए उनकी सरकार आगामी बजट में गांव व किसान के विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था करेगी उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक इक्यावन करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है वहीं चीनी की कीमत कम होने के बावजूद गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखकर पेराई सत्र में भी गन्ने का मूल्य दो सौ रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है इसके अलावा गांव की बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए कृषि फीडर को अलग करने पर तेजी से कार्य हो रहा है ताकि सिंचाई के लिए सुचारू रूप से बिजली मिल सके कृषि विभाग जिले में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करेगा इसके लिए प्रथम चरण में पाँच फार्म मशीनरी बैंक बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लिया जाएगा लाभार्थी को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए स्वयं सहायता समूह उपभोक्ता समूह सहकारी समितियों से जुड़े कृषक या कृषक उत्पादक संघ बनाना होगा जिसमें कम से कम आठ कृषक अवश्य रहेंगे फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए दे अनुदान लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख होगा जो केवल मशीनों व यंत्र की लागत पर दे होगा साथ ही लाभार्थी को कम से कम 10 प्रतिशत लागत स्वयं वहन करनी होगी और लागत का दस प्रतिशत बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाएगा विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सावधानी बरतकर आम की अच्छी फसल ले सकते हैं दवाओं का इस्तेमाल करते समय ब्लॉक स्तर पर उद्यान विभाग के अधिकारियों से अवश्य संपर्क करें मोबाइल फिश पार्लर की लोकप्रियता व उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने इकतीस मार्च तक तिरासी मोबाइल फिश पार्लर खोलने का निर्णय लिया है एक फिश पार्लर पर पाँच दशमलव पाँच शून्य लाख रुपए लागत आती है इसमें लाभार्थी को 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में एक दशमलव छः पाँच लाख रुपए सरकार से उपलब्ध कराया जाता है शासन ने फिश पार्लरों की स्थापना के लिए एक दशमलव तीन सात करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है और अब किसान भाइयों बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियाँ पंद्रह से तीस नवंबर के मध्य बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई चालीस से पैंतालीस दिन के बाद कल्ले निकलते समय करें तथा विलंब से पच्चीस दिसंबर तक बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई से बीस दिन बाद करें मटर में अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण के लिए मैंगोजेब या जिनेब का छिड़काव करें अरहर में पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करें और फल मक्खी के नियंत्रण के लिए फूल आने के बाद मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करें टमाटर तथा मिर्च में पछेती झुलसा से बचाव के लिए मैंगो को तथा माहू से बचाव के लिए डाई -मिथोएट का छिड़काव करें आलू में माहू का प्रकोप दिखने वाले रोगोर या डाई -मिथोएट का छिड़काव करें किसान भाइयों कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की धान लखनऊ मंडी में एक हजार सीतापुर में एक हजार फैजाबाद में एक हजार और सुल्तानपुर में एक हजार प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका बात अगर हम चावल की करें तो चावल लखनऊ मंडी में दो हजार फैजाबाद में दो हजार और सुल्तानपुर में दो हजार प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका गेहूँ लखनऊ मंडी में एक हज़ार सीतापुर में एक हज़ार फैज़ाबाद में एक हज़ार चार रुपये और सुल्तानपुर में एक हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका मसूर की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में मसूर पाँच हज़ार चार रुपये सीतापुर में पाँच हज़ार रुपये फैजाबाद में पाँच हजार रुपये और सुल्तानपुर में पाँच हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका उड़द की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में उड़द पाँच हज़ार रुपये सुल्तानपुर में पाँच हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका चना की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में चना तीन हज़ार सीतापुर में तीन हजार सुल्तानपुर में तीन हज़ार प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका सब्जियों में आलू लखनऊ मंडी में 650 सौ सीतापुर में पाँच सौ फैजाबाद में छः सौ और सुल्तानपुर में 625 सौ प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका टमाटर लखनऊ मंडी में एक हजार सीतापुर में एक हजार फैजाबाद में 950 सौ रुपये और सुल्तानपुर में 850 सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका प्याज लखनऊ मंडी में 1700 हज़ार रुपये सीतापुर में 1660 हज़ार रुपये फैजाबाद में 1545 हज़ार रुपये और सुल्तानपुर में 1600 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका हरी मटर लखनऊ मंडी में दो हज़ार रुपये सीतापुर में एक हज़ार रुपये फैजाबाद में एक हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका बैगन लखनऊ मंडी में एक हजार सीतापुर में छह सौ फैजाबाद में नौ सौ और सुल्तानपुर में एक हजार प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका तो किसान भाइयों ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ तब तक के लिए दीजिए अनुमति नमस्कार और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रसायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना दे दो ना सबर कर गोलू अभी दाल नहीं गली है तू ना कर गोलू की अम्मा अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी क्या मतलब जी अब की बार एन एफ एस एम के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में एक हजार क्षेत्र चुने गए हैं जिसमे हमारा इलाका भी आ गया है पर इससे हमें क्या फायदा हमें पाँच एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी इतनी दाल का करेंगे क्या जी अरे भगवान सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा हाँ शामू भैया सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा आखिर यहाँ बारिश तीन गुना होती है चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं अरे वाह आ गए। नमस्ते सरपंच जी हाँ भाई उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या भरपूर मदद जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह एक हजार हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं अरे वाह फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे क्या ये सपना सच होगा हाँ जरूर पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन के फोन इन कार्यक्रम में जिसमें हम बात करते हैं अपने किसान भाइयों की समस्याओं से संबंधित विषय पर आपकी समस्याएं इसलिए क्योंकि आप अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाते हैं अपने फोन के माध्यम से तो आज के विषय की भी हम आपको जानकारी दे दें आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा किसान भाइयों को दी जाने वाली सुविधाएं बैंकों के माध्यम से जो भी अनुदान या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं कैसे हमारे किसान भाइयों को मिल सकती हैं क्या समस्याएं आ रही हैं अगर इन विषयों से जुड़े हुई आपकी कोई भी समस्या है तो आप पहुंचा सकते हैं हम तक और इसके लिए नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर हमारे फ़ोन नंबर हैं शून्य दूसरा फोन नंबर है शून्य पाँच दो दो दो, दो शून्य पाँच सात पाँच छः टोल फ्री बात करने के लिए आप मिला सकते हैं एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पाँच दो तीन तीन तो किसान भाइयों आप अपनी समस्याएं हम तक पहुँचाइए और आइए आज हम मिलाते हैं अपने साथ उपस्थित विशेषज्ञ से आज आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे हमारे साथ विशेषज्ञ नाबार्ड लखनऊ के महाप्रबंधक श्री दलजीत सिंह जी आपका स्वागत है सिंह साहब हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन के फोन इन कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों के पास काफ़ी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या तो सिंह साहब है कि वित्त की समस्या होती है क्योंकि कृषि भी आज बहुत बड़ा निवेश का क्षेत्र है हम क्रय करके सारी सुविधाएं देते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएँ हैं जो नाबार्ड हमारे किसान भाइयों को दे रहा है नाबार्ड द्वारा किसानों को बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं और इसमें सबसे बड़ी सुविधा है किसान क्रेडिट कार्ड की ये आज घर घर में प्रचलित है पहले किसानों को अपने फसल फसल उत्पादन के लिए हर साल हर फसल के लिए जो है बैंकों में जाना पड़ता था उनको एप्लीकेशन भरनी पड़ती थी अपने जो जमीना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड पर बिल्कुल चर्चा करेंगे लेकिन कौशाम्बी से किसान भाई हैं अपनी समस्या के साथ देखते हैं क्या है समस्या हेलो हेलो जी नमस्कार बताएं क्या समस्या है आपकी सर समस्या ये है कि ना नावार द्वारा मैं जो है लोन लेना चाहता हूँ जी तो क्या इसका परसेंटेज क्या रहेगा सर इसमें क्या मतलब कृषि से हमको क्या मतलब परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएगा बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड पर बात हो ही रही थी आपकी लोन की समस्या है सिंह साहब नाबार्ड के माध्यम से लोन चाहते हैं कैसे ले सकते हैं और प्रतिशत क्या होगा ब्याज का देखिए नाबार्ड ने जो है सभी बैंकों को चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हों ग्रामीण बैंक हों या कोऑपरेटिव बैंक हों उनके पास जो है रिजर्व बैंक नाबार्ड और भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं कि जो भी किसान तीन लाख रुपये तक जो है ऋण लेना चाहते हों उनको सात प्रतिशत की दर से आ, उनको जो है विथ मैंने ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा और उसमें जो किसान उसके जो है वो त्वरित अदायगी कर देंगे प्राम्प्ट रिपेमेंट कर देंगे यानी कि समय से अदायगी कर देंगे तो उनको भारत सरकार की तरफ से तीस प्रतिशत का अनुदान और राज्य सरकार की तरफ से एक प्रतिशत का अनुदान यानी सात प्रतिशत रूप से जो है उनको फसल उत्पादन के लिए अगर वो तीन लाख रुपए तक ऋण लेते हैं बिल्कुल जी हैं काफी जागरूक किसान है हमारे बाराबंकी से अपनी समस्या के साथ देखते हैं क्या है समस्या हेलो जी आ, मैं नंदोर तो तो मिश्रा हूँ बाराबंकी गांव बसौली पर था आज बहुत खुशी हुई कि हमारा फोन इन कार्यक्रम फिर से चालू हो गया दूरदर्शन पे जी जी बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ किसान क्रेडिट क्या? 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 कार्ड से जो पैसा हम लोग लेते हैं तो अगर साल में जमा करेंगे सात परसेंट पड़ेगा अगर हम उससे पहले जमा करते हमको कितना पैसा देना होगा ब्याज के रूप में जो है नंद किशोर जी किसान क्रेडिट कार्ड पे जो है आपको सात प्रतिशत की दर से जो है वो ऋण शुल्कत होगा लेकिन अगर उसको जो है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कर देंगे यानी समय से उसकी अगर अदायगी कर देंगे तो आपको चार प्रतिशत का जो है उस पर छूट मिलेगी यानी आपको इसपे जो है कुल जो है तीन प्रतिशत का जो है ब्याज लगेगा और तीन परसेंट का ब्याज जो है आपको अपने फसल उत्पादन के लिए जो है काफ़ी रियायत है रियायत दर पे जो है वो मिलेगा जो काफ़ी अच्छा है बिल्कुल शायद इनकी प्रश्न से एक बात उभर के आ रही थी कि अगर समय से पहले जो छह महीने का समय दिया है उससे पहले पूरा भुगतान कर देते हैं तो क्या कुछ छूट मिलेगी या क्या प्रतिशत होगा नहीं उसमें जो है छूट इतनी है हाँ, वो जब भी इनको ऋण स्वीकृत होता है और ऋण किसान क्रेडिट कार्ड जो है जब भी स्वीकृत होता है वो फसल के आधार पर अच्छा, और अच्छा, उनकी जमीन के आधार पर होता है अच्छा, एक साख सीमा निर्धारित हो जाती है हाँ, और अगर मान लिया रबी फसल के लिए जो है उनको ऋण लेना है तो रबी की फसल के लिए जो है उसमें से वो पैसा निकाल लेते हैं लेकिन जो है जब उनकी रबी की फसल तैयार हो जाती है तो उसी समय जो है उनको इसकी अदायगी करनी होती उस पे डिले नहीं होना चाहिए देरी नहीं होनी चाहिए उनको, उनको ज्यादा तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड ऐसा विषय है की सभी हमारे किसान भाई जागरूक है लेकिन इसके नियम शर्तें क्या है इसके बारे में बहुत जो है वो सिंपल जो है बहुत ही आसान शर्तों पे जो है ये स्वीकृत किया जाता है खासतौर से हमारे जो छोटे किसान हैं जो सीमांत कृषक हैं जिनके पास छोटी जोत है जमीनें हैं उनके लिए जो है उनको कुछ नहीं करना है अपने जो है फ़ोटो ले जा करके और उनके पास जो है जो जमीन है उसके कागजात लेकर के बैंक में जाना है और फॉर्म भरना है और ये किसान क्रेडिट कार्ड उनको पाँच साल के लिए जो है स्वीकृत हो जाएगा अच्छा फिर पाँच साल तक उनको जो है बैंक में जाने की जरूरत नहीं है उसमें से जो है पैसा वो निकाल सकते हैं और पैसा उसमें जमा कर सकते हैं बिल्कुल हमारे कृषि के विकास के लिए नई तकनीकों का बहुत ही योगदान है इनके विकास के लिए भी नाबार्ड काम कर रहा है कैसे करते हैं वो किसान हमारे आगे जो है विकसित हो आगे उनके जो है फसल में उत्पादन अच्छा हो इसके लिए नाबार्ड ने जो है गाँव गाँव में जो है वो फार्मर्स क्लब की स्थापना की है और ये बैंकों के माध्यम से स्वयं साथी जो संस्था संस्थाएं हैं एन हैं उनके माध्यम से ये स्थापित किए जाते हैं और फार्मर्स क्लब जो है उस गांव में जितने भी किसान हैं उनका एक समूह होता है वो बैठ करके जो है कौन सी वो फसल का उत्पादन कर रहे हैं उनके बीज कहाँ से ला रहे हैं किस तरीके के बीज का उपयोग करना चाहिए किस तरीके की फर्टिलाइजर होना का इस, इस्तेमाल करना चाहिए इस पर वो चर्चा करते हैं इसके लिए जो है उस किसान क्लब के लिए जो है नाबार्ड जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि उनकी देख हो सके वो एनजीओ को भी पैसा देता है और किसान क्लब को भी जो है उनके देख के लिए जो है पैसा देता है साथ ही क्लब पर बात करेंगे लेकिन आगरा से किसान भाई अपनी समस्या के साथ है। जी, जी। देखते हैं क्या है समस्या हेलो जी नमस्ते साहब जी नमस्ते आ, क्या आपकी समस्या है मेरी ये समस्या आया ये समस्या के बारे में जो अनुदान मिलता है किसानों को उसके बारे में थोड़ा हमें बता बताए अनुदान मिलता है जी बिल्कुल अनुदान के ही संबंध में बात चल रही है अनुदान के सिलसिले में कुछ जानकारी देखिए बहुत सारी भारत सरकार की योजनाए है जो कृषि से संबंधित हैं और गैर गैर कृषि क्षेत्र से भी संबंधित हैं वो किसानों के लिए हैं hmm. उसमें जो है अनुदान मिलता है जैसे एक सबसे बड़ी जो है योजना है hmm. ग्रामीण गोदाम की ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किसान पैदावार तो कर लेते हैं अपने hmm. अनाज की पैदावार कर लेते हैं hmm. और अभी अब जो दूसरी जो है फसलें हैं उनका जो है उत्पादन कर लेते हैं hmm. लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं होती है उसको कहाँ पे रखें उसको कहाँ पे जो है स्टोर करें उसकी सुविधा नहीं होती इसीलिए उनके जो है ग्रामीण गोदाम किसानों को जो है ये ऋण दिया जाता है ग्रामीण गोदाम के लिए बनाने के लिए और ये बैंकों के माध्यम से होता है सभी बैंक के इसमें जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो और इसमें 25 प्रतिशत से लेकर के और 33 प्रतिशत जो है तैतीस प्रतिशत जो है जो छूट मिलती है लेकिन ती, जो साधारण जो है किसान होते हैं जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको पंद्रह प्रतिशत की है यानी कि पंद्रह प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत और तैतीस प्रतिशत अगर कोई महिला किसान है तो उसको तैतीस प्रतिशत की छूट मिलेगी आपकी समस्या समाधान के लिए बलिया से किसान भाई इंतजार कर रहे हैं देखते हैं क्या है समस्या हेलो जी सर जी आपका परिचय जानना पर है बैठे हैं बोल रहे थे कि सी आप जी है, समय से अदायगी करेंगे तो आपको चार परसेंट ये मिलेगा छूट मिलेगा जी और ये सी बनवाने पर अपने आप जो है यहाँ इंश्योर हो जाता है हाँ तो बलिया में ए, कुछ हिस्से में जो है ये बाढ़ आ गया था कुछ हिस्से में जो है सूखा पड़ गया था तो जो इंश्योर कंपनी है किसानों को उसका बेनिफिट नहीं दी है इसके बारे में नहीं तो अगर जो है आपके फसल का जो है इंश्योरेंस हुआ है नहीं।, नहीं एक मिनट सर जो पूर्वांचल ग्रामीण पूर्वांचल बैंक है जी जी। जिसका भी के करता है जी तो अपने आप स्वाभाविक रूप से वो कर लेता है इन, इंश्योर कर लेता है पहले कभी मिलता था जी जी इस बार धान वाली फसल में खरीद में सूखा पड़ गया था जी जी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लोगों को पैसा पेमेंट नहीं करते हैं। पैसा काट लेते हैं लोग नहीं वो जो अगर आ, आ, आपके जो है फसल का जो है वो इंश्योरेंस हुआ है तो ये इंश्योरेंस कंपनी कम, की जिम्मेदारी है कि वो उसका जो नुकसान हुआ है उसको जो है वो पैसा उनको दें और चूंकि बैंक के माध्यम से आपने निर्णय लिया है तो ये बैंक की भी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योरेंस इंसो कंपनी से जो है फॉलो अप करके वो आपको पैसा दिलाएं और वो पैसा देंगे क्योंकि आपने जो है इंश्योरेंस का जो है प्रीमियम भरा है तो उसकी जो योजना है योजना के तहत तो वो आपको पैसा मिलेगा थोड़ा सा उसमें विलंब भले ही हो उसकी एक प्रक्रिया होती है लेकिन वो पैसा आपको मिलेगा आप बैंक के जो है संपर्क में रहें और इसके अलावा जिला स्तर पर हमारे जिला विकास प्रबंधक भी तैनात हैं इस संबंध में जो है आप उनसे भी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनसे भी जो है मदद ले सकते हैं बिल्कुल बैंक के प्रबंधक और जिला आपके जो विकास प्रबंधक हैं इनके माध्यम से जानकारी मिल सकती है मिल सकती। पूरी है। इसके साथ ही देखिए प्रदर्शन के क्षेत्र में क्योंकि हमारे किसान भाई देखकर कृषि तकनीकों को काफी अच्छे ढंग से अपना लेते हैं तो प्रदर्शन का जो दिखाते हैं उसमें क्या योगदान है नाबार्ड का देखियो उसमें बहुत बड़ा योगदान है एक कहावत है जो है सीइंग इज बिलीविंग जब अगर उसको देखेंगे जो है तभी उस पर विश्वास करेंगे तो हमारे जितने भी किसान क्लब हैं वो उसकी स्थापना इसीलिए की गई है कि वो किसानों के जो है समूह हैं किसान जो है वो उस पर संगठित हों और उसके बाद जो है उन किसानों को जो है हम दूसरे जिलों में और कई बार जो है तो हम प्रदेश के बाहर भी जो है ले जाकर के जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है जहाँ पे अच्छी खेती हो रही है उन्नशील खेती हो रही है रोकना चाहेंगे थोड़ा सा क्योंकि कासगंज से किसान भाई जी, पर है प्रदर्शन की जी. हम फिर बात करेंगे हेलो हलो नमस्कार जी नमस्कार आ, क्या आपकी समस्या है नहीं 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 नही आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है थोड़ी सी दूरी बना ले अपने टेलीविजन से से फिर से अपना प्रश्न पूछे नंबर मिला अच्छा पंजीकरण जी किसान क्रेडिट कार्ड के, के पंजीकरण के बाद क्या प्रक्रिया है विलम्ब होने की आ... कैसे मिल बिलंत नहीं इसमें कोई विलम्ब की तो बात ही नहीं है अच्छा, आप जो है किसी भी बैंक में अपनी जो है एरिया में जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे नजदीकी जो भी बैंक है वो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो ग्रामीण बैंक हो या कॉमर्शियल बैंक हो वहाँ पे आप जाए अपने जो है जमीन के कागजात लेके जाए और अपनी फोटो लेकर के जाए और वहाँ पे अपना जो है के बनवा लें उसमें जो है कोई विलम्ब की जो है कोई बात ही नहीं तुरंत जो है वहाँ पे के जो है इनको सेंक्शन हो जाए हमारे किसान भाई इनको समस्या आ रही है तो कहाँ संपर्क कर सकते और अगर इस संबंध में

जी, आ आ, मैं कामेश्वर ओझा बोल रहा हूँ इलाहाबाद से जी कामेश्वर जी क्या आपकी समस्या है हाँ ऐसा है मान्यवर नमस्कार 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 हाँ मैं मैंने केसीसी लिया है जी और इस साल फसल की धान की खेती एकदम एकदम घाटा दे दिया सूखा सूखा के कारण न तो भराई समय से हो पाई न सिंचाई हो पाई न रोपाई हो पाई और इधर इधर हुदहुद हुद का प्रकोप भी आया जिसके वजह से फसल चौपट हो गई सड़ गई और पैदावार वन थर्ड हम लोग पाए जी तो अब आप बताइए के सी की अदायगी कैसे किसान करे के तो लिया था मैंने लेकिन हम सहाय हो गए हमारी स्थिति खराब है बिल्कुल बिल्कुल आपके समस्या का समाधान जी बात जी बता क्या हो सकता हाँ, जो के सी सी से आपने ऋण लिया था और आपकी धान की फसल में उतनी पैदावार नहीं हो पाई जितनी आप अपेक्षा कर रहे थे लेकिन जो भी पैदावार हो पाई है उसके हिसाब से उसकी अदायगी करें और अगर वहाँ पे जो है राज्य सरकार कुछ इस तरीके से अन्नावारी डिक्लेयर करती है कि वहाँ पे जो है आ, 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 सूखा पड़ गया था वहाँ पे पानी आ, नहीं बरसा है और पैदावार नहीं हुई है तो वहाँ पे जो ये जो केसीसी है जो इन्होंने जो है जो शॉर्ट टर्म लोन होता है इसको जो है मीडियम टर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर इसको जो है इनको तीन साल के अंदर जो है उसकी अदायगी जो है किस्तों में करनी पड़ेगी और ये इनको जो है इसका इनको लाभ मिल जाएगा बिल्कुल लेकिन जितनी पैदावार हुई है उसके हिसाब से जो है तो उसकी अदायगी कर सकते हैं जी बिल्कुल वहाँ की जो आपने बताया राज्य सरकार है वो घोषित कर है। है। हाँ। तो हो सकती, हो सकती है, है। सिंह साहब हमारे ग्रामीण क्षेत्र है तो रोजगार के अवसरों की भी आवश्यकता है इसमें स्वयं सहायता समूहों का भी बहुत बड़ा योगदान है और इनके निर्माण में नाबार्ड भी अपनी भूमिका विशेष अदा कर रहा है कैसे कर सकते हैं इसको कैसे कार्य कर रहा है देखिए हमारी साठ प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है जी। और गांव में रहने वाले जो है ज्यादातर छोटे किसान हैं सीमांत कृषक हैं महिलाएं हैं और गरीब जो है तबके के लोग हैं कमजोर वर्ग के लोग हैं ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके पास जमीन नहीं है वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं तो ऐसे लोगों को बैंक से ऋण नहीं मिल पाता है अच्छा, अच्छा तो इनके जो है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह के गठन की जो है एक योजना चलाई थी आज के सहायता समूह से आ, कर सकते कर हैं बिल्कुल सिंह साहब फोन पर नहीं। नहीं। समस्या के साथ हमारे किसान भाई विशेष रूप से फोन लेंगे लेकिन संक्षेप में चाहेंगे उत्तर देखते हैं क्या है समस्या हेलो हेलो जी क्या प्रश्न है आपका सर ये जैसे कि खेत है तो एक बीघा खेत है उसमें तीन चार भाइयों का हिस्सा तो किसी एक के नाम से बनेगा सबके नाम से क्रेडिट कार्ड बनेगा वो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं अब एक बीघा जमीन है और वो चार भाइयों के नाम पे है तो उनका जब चार भाइयों का है तो उनका जो हिस्सा है हिस्से के हिसाब से जो है हर का अलग अलग जो है वो केसीसी बनेगा अच्छा अच्छा हाँ हर हाँ, का जिस्ता, अलग जिस्ता, हाँ अलग अलग जो है केसी और एक का भी बन सकता है लेकिन जो है उनको सबको जो है एक सहमत जो है वो देनी पड़ेगी कि इनके नाम से जो है केसीसी जो है इसको जारी कर दिया जाए साहब आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान किया है निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों को फायदा मिला होगा आपने जानकारियां दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों समय से बंधे हैं हम सभी लोग और हमारा कार्यक्रम भी हमारा आज का समय यहीं समाप्त होता है अगले कार्यक्रम में फोन इन में फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करेंगे नई समस्याओं के साथ तब तक दीजिए अनुमति Namaskar. Namaskar.